सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री से आप सभी का स्वागत करता है। प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे एक काम दिया है और बड़े उत्साह के साथ और हर पल में मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम वचन कहता है कि उसका काम उसके नाम के धन्य को है ना, उसे उसके उपकार को कभी मत भूलना। यही मेरा काम है मेरे अजीजों, और मैं तो प्रेर करता हूँ आप सभी के लिए, प्रार्थना करता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है आप में भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रार्थना की कमी और एक दूसरे से हम जब प्रार्थना करते तो कमियां दूर की जाती है ना, क्योंकि हमारे जीवन में क्या है, कमियां नहीं होनी चाहिए प्रार्थना की, है ना। और मेरे अजीजों, आज भी मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु ने जो भी मुझे अगुवाई दी है आज, यही मैं आपसे पहले ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि दासों को भी जरूरत होती है मेरे भाई मेरे बहनों प्रार्थना की। जब प्रार्थना एक दूसरे करते तो हमारा जीवन बदलता है और सामने वाले बदलता है। तो इसलिए क्योंकि जब हम सेवकाई में, तो सेवकाई में कष्ट गरीबी परेशानी आती है, संघर्ष करना पड़ता है। मनुष्य का नाम ही संघर्ष है, परमेश्वर की सेवा करने का नाम ही संघर्ष है। लेकिन कौन सा, जब हम संघर्ष में निकल जाते हैं तो वचन कहता है कि तू उस मुकुट को पाएगा जो तेले रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज जो परमेश्वर ने मेरे अगुवाई जो मेरे अंदर डाली है मेरा जीवन, बहुत उमदा है और बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो सबकी स्तुति रखता है, है ना। अभी तक मेरे सबके एक साथ प्रार्थना करता हूँ, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे बोला कि बहनों के लिए प्रार्थना, यानी कि प्रेयर फॉर वुमेन्स, यानी कि प्रार्थना लेडीज़ के लिए, प्रार्थना उन बहनों के लिए। देखो एक ही रिश्ता है ये प्रार्थना, मेरी माँ मेरी भाभी मेरी भाभी मेरी चाची मेरी ताई, ये सब रिश्ते हैं इस दुनिया में ना, चाची चाची भाभी नानी, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहा कि हम सब क्या है, एक ही संतान के वारिस, हम क्या है, भाई बहन है। तो मेरे अजीज़ों, मैं इसलिए मैं बहन और भाई करके बोलता हूँ सबसे। तो ये प्रभु धन्यवाद, ये गॉड गिफ्ट मिला है मुझे, ये ज़ुबान मिली है मुझे परमेश्वर की ओर से। तो आज मैं सभी बहनों की, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे है ना किसी भी अवस्था में किसी भी उम्र क्यों ना हो, लेकिन मेरी प्रार्थना है सभी बहनों के लिए, क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये परमेश्वर कह रहा है। भाई लोगों के हमारे लिए क्यों नहीं है, देखो मेरे भाई, सबने परमेश्वर ने क्या करा है, सबको अलग अलग कार्य दिया है ना। जो अगुवाई परमेश्वर मुझे देता है मैं वही करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज मैंने बोला है कि इन बहनों की प्रार्थना कर जो ये सोचते कि मेरा वजूद क्या है ना, या ये सोचते मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ या परमेश्वर बढ़ रही हूँ, तो मेरा आगे फ्यूचर क्या है ना। नहीं मेरी बहन। और दूसरी बात, हमारी बहनों को आज दुनिया में है ना क्या समझा जाता है, कुछ नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है, वो सब पे सूर्य उतारता है, सबको एक जैसा है। जितना भाई का देगा अधिकार है उतना बहनों का भी अधिकार है, कि परमेश्वर ने बहनों को भी इब्राहिम की संतान कहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरी बहनों, आज आपके जी उठने का दिन है, यानी कि आज अभी तक आपके अर्थ किया हम कुछ नहीं रखते, हम इस मायने रखते, या आपको कटराइज किया जाता है, या आपको नीचा दिखाया जाता है, आप कहना नहीं मैं उसी परमेश्वर की बेटी हूँ जिस परमेश्वर के बेटे आप हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहनों, आपके लिए एक वचन है, बहुत अच्छा वचन है, परमेश्वर कहता है। देखिए सबसे बड़ी बात है, हवा एक लेडीज़ थी, शैतान लेडीज़ के पास आया हवा को बहकाने। लेकिन मेरे जो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, पर यीशु मसीह मरियम के पेट से निकले ताकि परमेश्वर औरत जात पर एक आशीष एक अनुग्रह दे सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज जितनी मेरी बहनें जितनी मेरी बहनें देख रही है प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम देखेगी है ना, तो ये जान ले कि आप दिल छोटा ना करें, आप निराश ना हो, आपके लिए भी प्रतिफल है बाइबल के अंदर, आपके लिए भी, क्योंकि आप भी सेवकाई करते हो, आप भी परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते हो, आप भी दान देते हो, आप भी सबसे ज़्यादा आगे हो, तो आपको भी परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। क्योंकि अगर बाइबल में स्त्रियों का कोई वजूद नहीं होता, तो मेरे अजीजों, आदम के लिए लड़की नहीं यानी कि स्त्री नहीं, एक लड़का एक जानवर चुना जाता। लेकिन प्रभु यीशु में परमेश्वर ने आदम के लिए स्त्री बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जरूरत पड़ेगी, है ना। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, किसी से भी आ सकते थे, कहीं से भी परमेश्वर कर सकता था, परमेश्वर तो आकाश फाड़ सकता था, जमीन फाड़ सकता था। क्यों चुना एक मरियम को, एक स्त्री को, ताकि धन्य है हर एक माँ जो परमेश्वर जिसे अपना हाथ पर रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो निराश ना हो कि बाइबल में आपका जिक्र नहीं है, बाइबल में सिर्फ मर्दों का या आदमी का जिक्र नहीं। मेरी बहनों, परमेश्वर आपके लिए आज बोला है, मेरे द्वारा परमेश्वर ने आपके लिए करा। जो पहले ये सोचती है, मैं ये भी मानता हूँ मेरे अजीजों, कि सबसे ज़्यादा दुखी क्यों बहनें होती है, शादी के सपने देखते हैं लोग, शादी हम हाँ जी शादी के सामने हम पीला कर देंगे सोने से, या हम खुश रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब देखा जाता है तो जला के मार दिया जाता है ना, तिरस्कार हो जाता है। जब संतान नहीं होती है तो कभी किसी मर्द को बांझ नहीं कहा गया, बाइबल भी कहती है सिर्फ स्त्री को बांझ किया गया। ये कलंक लगता है स्त्री पर, क्या वो उनका दिल नहीं टूटता होगा,
क्या उनके आत्मा छद्दी नहीं होती होगी, छल्ली नहीं होती होगी, है मर्द लोग क्या कहते हैं, क्या क्या बोला जाता है कि नहीं हम शादी कर लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, उनको ताने दिए जाते हैं। आज परमेश्वर मेरी बहनों से बात कर रहा है। आज मैं प्रार्थना करूँगा हर एक बहन के लिए, हर एक स्त्री के लिए, मेरी बहनों परमेश्वर का ये वचन है और हम सब भाई आपकी इस प्रार्थना में सपोर्ट करेंगे, हर एक भाई सपोर्ट करेगा। जितने भी देखेंगे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी चाची, हमारी नानी सब स्त्रियाँ तो हैं। मैं तो प्रभु धन्यवाद करता हूँ, कभी उसने पक्षपात नहीं करा है, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर है, नीचे मरियम को उसने स्थापित कर दिया यीशु मसीह के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद करते हैं, है ना। तो दिल छोड़ा ना करें, क्योंकि बलात्कार, रेप सब स्त्रियों के साथ होते हैं, मार के डाल जाता है। जब पैदा होते तो लड़की का मुंह नहीं देखा जाता है, डाल दिया जाता है ना कूड़े कटके में। क्यों? क्योंकि उन पर वचन नहीं है। हमारा परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। आज मेरी बहनों आपका जी उठने का दिन है। क्यों इस अंधेरे में पड़े हो, क्यों सोचते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते? आप बहुत कुछ कर सकते हो यीशु मसीह के नाम में। आप बहुत कुछ कर रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आप सेवकाई में सपोर्ट कर रहे हो, अपनी ऑफरिंग के द्वारा सपोर्ट कर रहे हो, अपने ब्रोतरी के द्वारा सपोर्ट कर रहे हो, अपने कष्ट के द्वारा सपोर्ट कर रहे हो, अपने दुख के द्वारा सपोर्ट कर रहे हो, और ये सपोर्ट परमेश्वर की बहुत मायने रखती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए मैं प्रार्थना करूँगा हर एक बहन जो आंसू बहा रही है, रुक जा बहन, अब बस बहुत हो गया, बहुत दुख देख लिए, बहुत ताने सुन लिए, अब आपका जी उठने का दिन है। आज से मैं भविष्यवाणी करता हूँ, प्रोफेसी कर रहा हूँ, आज से आप जी उठने का दिन है। संतान की आशीष आपके पास आएगी, रोजगार की आशीष आपके पास आएगी, आपके पति को परमेश्वर नया बना रहा है यीशु मसीह के नाम, आपके बच्चों को आशीष दे रहा है, आपकी नौकरी पर तरक्की कर रहा है, आपके सास ससुर के लिए आपका प्रेम उभर कर रहा है, आपके ससुराल में प्रेम डाल रहा है, आप बीमार अवस्था में हो परमेश्वर आपकी सुधे ले रहा है। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, परमेश्वर के लिए हम आप आगे बढ़ रहे हो। आज परमेश्वर आपके लिए आगे बढ़ चुका है। थाम लो उसका दामन। 12 साल से स्त्री का रोग था, परमेश्वर चंगाई दी, परमेश्वर के लिए उसे कई में आगे बढ़ते, इसलिए आगे बढ़ रही है। मेरे अजीजों, डरना नहीं, परमेश्वर आपको आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि परमेश्वर महान है। विवेचानी पकड़ी गई, यीशु मसीह के पास आए, सब चाहते, सब मर्द उसके अंदर। क्या कहता कि विवेचानी ऐसा करती है? यीशु मसीह कहता जो पहले पाप कर, जिन्हें पाप ना किया पहला पत्र वाले सब चले गए। आज प्रभु यीशु मसीह आपको माफ़ करेगा अगर आप पाप के दलदल में। आज विषय गर्दी में कितनी बहनें पहुँच चुकी है, परमेश्वर उनको भी लेके आएगा। प्रेज द लॉर्ड, उन सबको पवित्र करके नया बनाएगा, ये हमारा वचन कहता है। अगर कोई भी ऐसे काम में है, कोई भी ऐसे सुसज में है, चाहे वो खुद उन्हें व्यविचार कराओ, चाहे किसी रिलेशन के साथ में व्यविचार हो, चाहे अपने खानदान में, चाहे अपनी दुनिया में किसी के साथ दुख में हो, कष्ट में हो, तो कॉल करें, मैसेज करें, इस वीडियो को देखें। परमेश्वर को नया बना रहा है। मेरे जी तो जहाँ किसी गड्ढे में क्यों ना हो, आप पाप के गड्ढे में, बीमारी के गड्ढे में, कर्ज के गड्ढे में, निसंतान के गड्ढे में, पति के टॉर्चर के गड्ढे में, और किसी भी टॉर्चर में हो, आप आज परमेश्वर को वहाँ से निकालना। मेरी बहन बस बहुत आंसू बहा लिया। अगर आपके साथ कोई रेप, कोई बलात्कार हुआ है और आप किसी को नहीं बता सकते, परमेश्वर के लिए आप सुसाइड करने जा रहे हैं, मत करना, परमेश्वर आपको नई जिंदगी दे रहा है। अगर आपने प्यार में धोखा खाया, चीट हुआ है, परमेश्वर आपको नया बना रहा है। आज मेरी बहन, मैं फिर कह रहा हूँ, जी उठने का दिन है आपके लिए। तो आप तैयार है नए बनने के लिए, तैयार है प्रार्थित करने के लिए, तैयार है इन सबको छोड़कर परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड कहे और कहे आमीन। हम तैयार है और सभी भाई हम सपोर्ट करेंगे जितने भी वीडियो देखने वाले हैं, क्योंकि आज परमेश्वर ने बहनों से बात करी है डायरेक्टली अपने दास के द्वारा। तो आइए हम प्रार्थना करें। अब चिंता नहीं, आज मैं एक वचन पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे अजीजों, मेरे बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब वो मुझे जगाता है तब मैं जागता हूँ और आपको वचन देता हूँ। कैसे जागना होता है? बोल बोल, मैं कह रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ? बोल, मैं कह रहा हूँ, मत देख दुनिया को, मैं कह रहा हूँ बहनों, बेटियों से, उन बेटियों से बोल दे, उनके आंसू देख लिए मैंने, उनको बोल दे, उनका तड़प देख ली मैंने, उनका कराना देख लिया मैंने, उनका पाप देख लिया मैंने। आज परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहा है हर पाप, हर बीमारी, हर तकलीफ से, हर तानों से, यीशु मसीह के नाम से आज आपको टच करेगा। इन प्रार्थना के बाद जवाब दे लेना मेरी बहन। क्या लिखा है? लिखा है यीशु की शिक्षा है। इसके बाद मैं नगर नगर गाँव गाँव प्रचार करता और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। लूका 8 पढ़ रहा हूँ, लूका 8। इसके बाद वह नगर नगर और गांव का प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वह 12 उसके साथ थे और कुछ स्त्रियाँ भी थी। चेलों के साथ स्त्रियाँ भी थी जो दुष्ट आत्मा से, परमेश्वर को दुष्ट आत्मा से करेगा और बीमारी से छुड़ाई जाएगी।
थी और वह यह है मरियम मगदुली, जिसमें से सात दुष्ट आत्मा निकली थी। आज परमेश्वर आपको दुष्ट आत्मा सबसे आज़ाद करने वाला है, ग्रैंटर ऐसी करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इवन और हेरोदेस के भंडार की खोजा की पत्नी योनना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियाँ ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं, बहुत सी बहनें यीशु चंगाई सभा में अपनी संपत्ति के द्वारा और अपने बहुमूल्य दान के द्वारा परमेश्वर के बहुमूल्य दान के द्वारा सेवा कर रही है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, मदद कर रही है, हेल्प कर रही, क्यों संपत्ति सेवा कर रही है, हेल्प नहीं सेवा है ये। आप सेवकाई में हो समय जब परमेश्वर हम सेवकाई में कैसे है, हम किसी को सपोर्ट भी करते हैं सेवकाई में, पास्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, चर्च में सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सेवकाई में कर रहे हैं प्रतिफल मिल गया मेरी बहन। अभी तक आप प्रतिफल सेवकाई कर रहे, दान देते कुछ कर रहे, कहते मेरा प्रतिफल कहाँ है, प्रतिफल आ गया मेरी बहन, प्रतिफल रिसीव करें अपना। आज प्रतिफल आपके हर परेशानियों का आज जवाब दिया परमेश्वर ने। आंसू बहावा के तकिए गीला कर दिया, आंसू बहावा के कपड़े भिगो दिया आपने, है ना, रातों को नींद नहीं आ रही, सुसाइड करने की कोशिश, सब कुछ सहाया, सब कुछ सहाया आपने। कोई कोई बहनें ऐसी हैं जिन्हें अपने घर से लेकर जवानी से लेकर आज तक दुखी दुख देखे, परमेश्वर ने आपके दुख पर दृष्टि करी है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो सबकी चिंता करता है और मेरे द्वारा परमेश्वर की राखाद मिट्टी को चुनकर इस राखाद मिट्टी को चुनकर कुछ पने को चुनकर आपके सामने लेके आए। अब तैयार है नए जीवन के लिए, बस पुराने जीवन बिल्कुल मिल गए, पाप मत करना। अब जो आगे प्रभु करना, प्रभु मैं अब आज़ाद हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं आप में जीऊँ, आप में कार्य करूँगी, आपका प्रचार करूँगी, आपकी सेवा करूँगी, जो आपको करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अच्छा ईमानदार सच्चाई पवित्रता जीवन की दिखाई, ठीक है। मैं भाई हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आँखें बंद करें, इस प्रार्थना को सुनना और जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। परमेश्वर मेरी बहनों से बात करना यीशु मसीह के सामने, ये हर किसी के लिए, तो शादीशुदा हो, शादीशुदा नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी, प्रे फॉर वुमेन्स प्रेफरेंस, प्रेयर प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रोफेसर के लिए तैयार हो जाइए, भविष्य भविष्य नहीं निकालेगा आपके लिए, तो बहुत बार मारे। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ स्वामी, धन्यवाद करता हूँ पिता, पिता परमेश्वर में इस समय इन बहनों को लेके पिता परमेश्वर, चाहे हमसे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे शादीशुदा हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो प्रभु जी, लेकिन जो दुखी आंसू बहा बहा के जीवन को व्यर्थ कर रहे, सुसाइड की कोशिश कर रहे हो, कोई कह रहा है कि मैं नहीं संतान हूँ, कोई कह रहा है कि मैं उभर नहीं सकता, कोई कह रही है कि मैं अब अपनी पति से नहीं रह सकती, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक एक दुख में है प्रभु, एक एक दुख में है स्वामी, एक एक दुख में है मेरे प्रभु, किसका रेप हुआ, किसका बलात्कार हुआ है, कोई तो कोई शारीरिक शोषण हुआ है, तो कोई सुसाइड, कोई कोई चीट करा गया, कोई परिवार में चीट हुआ है पिता, आज उनका शरीर, उनका जिस्म, उनका आत्मा छल्ली हो गई, कोई पाप से, कोई बीमारी से, कोई स्थानों से, स्वामी आज तू इनके आंसुओं पर दृष्टि करिए मेरे राजा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ स्वामी, तू प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता, तू सबकी चिंता करता, मेरी बहनों को तूने चुनकर खड़ा करा है स्वामी, अति सेवकाई में ये दिन रात बिता रही है पिता, दिन रात बिता रही है पिता, आज तू उनकी स्वामी इनकी रक्षा कर पिता, सुरक्षा दे मेरे पिता, आज इनको इनका कराना सुन ले, इनका रोना को तू बंद कर दे स्वामी, दया करते, तूने मेरा अभिषेक करा ताकि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दे सकूँ पिता, हाँ मेरे स्वामी आज खेदित मन के लोग हैं मेरी बहन पिता, हाँ मेरे स्वामी पिता कोई बीमार, कोई बच्चे बीमार, कोई भाई बीमार, कोई पति बीमार है मेरे पिता, कोई शराब में, कोई गुटके में, कोई सिगरेट में, कोई व्यभिचार में है पिता मेरे पिता, कोई पाप में डूबी हुई मेरी बहन है, आज प्रभु निकाल ले इनको, आज का जीवन बदल दे मेरे प्रभु, इन बहनों का जीवन बदल दे पिता, कोई बुजुर्ग है, कोई पिता जवान है, कोई स्कूल की उम्र का है, तो कोई कॉलेज का, कोई तो उम्र बड़े हैं पिता, लेकिन तू दुख तो एक ही है पिता, कष्ट तो सबको होता है, आज का कष्ट तूने मुझे दिखाया है और तूने कहा पॉल इनको कि इनका कष्ट को दूर करने वाले मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु निसंतान बहनों की, ओ जिनको बांझपन का टॉपिक दिया जाता है, लेसन दिया था, वो कमांड करता हूँ यीशु के सामर्थ्य से, तोड़ के फेंकता हूँ उन बांझपन के टॉपिक को यीशु के सामर्थ्य से, आज कोई बांझ नहीं रहेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से, सबको परमेश्वर संतान की आशीष दे रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता, चाहे कमी किसी में क्यों ना लगे, तू आशीष के तौर पर कमी किसी में क्यों ना लगे, टारगेट स्त्रियाँ ही होती है, बहन ही होती है, आज तू आज़ाद कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से, और उन बहनों को आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता, आज उन पर ये बांझ का ठप्पा मिटा रहा अपने लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, आज़ाद हो मेरी बहनों परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करें, बोले आमीन यीशु मसीह के नाम से,
आज मेरी बहनें जो पाप के बंधन में टल चुकी है, कोई भी विचार के, कोई जिसम फरोशी के, तो कोई किसी कोई मजबूरी में, तो निकाल रहा है मेरे प्रभु, ताकि उनकी तरफ से कोई देखता भी नहीं, लेकिन तू देखता है सबके, क्योंकि सब एक जैसे तेरे समान है। तू सबसे प्रेम करता है, उन बहनों से प्रेम करेगा, जो निकाल के खड़ा करेगा और पवित्र करेगा। जैसे एक बहन पर वो पिता, एक बेटी ने तेरे पाँव में इतना डाला तो लोग कहने लगे, पिता ये अपवित्र स्त्री को क्यों छू रही है, लेकिन तू कहता है कोई पवित्र नहीं केवल यीशु मसीह, और जिसको पवित्र तू करता है उसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। आज प्रभु मेरी बहन सब पाप के बंधन से, व्यभिचार के, हर नशे के, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति से आज़ाद हो रही है यीशु के सामने। अगर उन्होंने कोई कुकर्म के रास्ते में पकड़ भी लिया है, कोई ऐसा बिजनेस कर लिया है, कोई ऐसा देह व्यापार कर लिया है, कोई मजबूरी में आ गया, तो वो भी कर रहा है यीशु के नाम से। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम इससे सबके लिए प्रार्थना कर रहा है, करवा रहा है। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने पति से पूरी आदत के कारण टोच रहे, जिनका पति छोड़ के चला गया हो, जिनका पति दूसरी औरत के चक्कर में हो, जिनका पति शराब के नशे में मारता हो, मेरे बहनों प्रभु आपको आज़ाद करे, मेल बिलाप आप कर अपने पति बदल रहा, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज मेरी बहनें अगर दुखी अपने माँ बाप को लेके, दुखी अपने अपने भाइयों को लेके, दुखी अपने किसी भी रिलेशन को लेके, जो पवित्र जो यीशु मसीह ने दिया है, आज प्रभु यीशु मसीह आपके भाइयों को, आपके माँ बाप को, आपकी बहनों को सुधार रहा है, यीशु मसीह नाम से अच्छे रास्ते चला रहा है। अगर आप ऐसे रिलेशन में, आप ऐसे संबंध में बन चुके जो पाप को दर्शा रहे, निकलना चाहते हो, प्रभु आपको निकाल रहा है आज यीशु मसीह नाम से। अगर कोई मेरी बहन बीमार है, किसी को ऐसी भी बीमारी क्यों ना हो, कैसी भी टोटल कैसी भी बीमारी, प्रभु यीशु मसीह आपको आज़ाद कर रहा है हर बीमारी से, यीशु के सामर्थ्य नाम से, रिसीव इन टच इन द जीसस ऑफ नेम, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपको नया जीवन मिल रहा है। स्वामी नया जीवन दे, धन्यवाद करते हैं, ओ मेरे पुत्र धन्यवाद करते हैं। आज मेरी बहन अगर अपने ससुराल में सही से नहीं रह पा रहे, कोई टॉर्चर कर रहा दहेज के ऊपर, तो प्रभु यीशु मसीह उनके मेल मिलाप के आत्मा दिन के अंदर से शतान का बांझ निकाल दे, यीशु के नाम से शतान का काटा निकाल दे, और उनको मेल मिलाप के प्रेम की आत्मा दे प्रभु यीशु मसीह। आज सभी बहनें मिलता जो बहनें अपने बच्चों से परेशान है, हो मेरे प्रभु वो बच्चे सुधर रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज बुजुर्ग वाले जो बुजुर्ग की अवस्था में जिन्हें बच्चों ने परेशान कर रखा है, मेरे प्रभु सबको मेल मिलाप की आत्मा दे, तसल्ली की आत्मा दे, प्रेम की आत्मा दे यीशु के सामर्थ्य से। आज हर एक बहन के दुख पर तूने दृष्टि करी है मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सबकी तूने प्रार्थना सुनी, सबके आंसू को पोष डाला, आज पोष डाला और नया बना दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरी बहन प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, हर एक बहन को छुआ है प्रभु यीशु मसीह ने। ये मत कहना कि भाई मेरी प्रार्थना नहीं, सबके लिए प्रार्थना होगी, जो इस वीडियो को देख रहा है, इस प्रार्थना को देख रहा है, सबके लिए जैसी उसकी समस्या, उस बहन के चाहे नौकरी डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी एनीथिंग, चाहे जिस तरह लग रहा हो, कोई भी, परमेश्वर ने आपको छू कर नया बनाया है। उदास ना मेरी बहन, परमेश्वर के साथ है, दुनिया हो ना हो यीशु मसीह आपका साथ कभी ना छोड़ेगा, उसे जो वादा कर दिया वादा कर दिया। आज ये प्रार्थना आपके जीवन बदलने वाली है। व्हाट्सएप नंबर इसमें है, आप व्हाट्सएप कॉल करें, व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है, व्हाट्सएप मुझे व्हाट्सएप करें, और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, और इसकी गवाही जरूर दें कि परमेश्वर छू कर नया बना है। आप कैसी व्यवस्था में क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आपको घट्टे में से निकाल के खड़ा कर देगा, जिसने मुझे बचाया है ना मेरी बहन, आपको बचाएगा। ये है मेरी, ये उसकी योजना है जो बहुत समस्या पड़े, मैं खुद हैरान था, प्रभु उसे तो क्या कह रहा है, प्रभु तो बोल बोल। दो बजे से ये बात, दोपहर से दो बजे से मेरे दिमाग में परमेश्वर डाल रहा था कि नहीं तो प्रार्थना करने, और लेकिन आज ये समय के अनुसार प्रार्थना करवाई। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसी ऐसी बातें मुझसे बताता है, और जितनी बहनों ने यीशु चंगाई सभा में ऑफरिंग दी है, चीज़ें लाने के लिए ऑफरिंग दी है, हर भाग में ऑफरिंग दिया, हर भाग में पार्टिसिपेट किया है, परमेश्वर उस दान का बदला दे रहा है, प्रतिफल दे रहा है, प्रतिफल इसी करे यीशु मसीह के नाम से। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे पर कोई प्रतिफल नहीं है, मैं कभी प्रतिफल किसी को नहीं सकता, मैं राख की मिट्टी हूँ, लेकिन मेरा प्रभु जो प्रतिफल देता है वो दुनिया से बढ़कर होता है। हालेलुया। तो प्रार्थना करते हैं उन प्रतिफलों के लिए जो परमेश्वर आपके जीवन में डाल रहा है, और प्रार्थना सुन के धन्यवाद देने की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते समय धन्यवाद करता हूँ राजा कि तूने प्रार्थना सुनी, मैं सभी बहनों को और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तूने वाक्य बताता है, उन बहनों का नाम नहीं लिया, तूने मुझसे अभी बात करी है, जो बहन विधवा हो चुकी है, जो बहन विधवा हो चुकी है, जिनका बहुत कंडीशन जो का केस चल रहा है, मेरे प्रभु आज तू फिर मुझसे कह रहा है कि उनका परमेश्वर है जिनकी कोई नहीं है, मेरे प्रभु आप उन कमियों को दूर करोगे जिनका कोई नहीं, का कोई गुजर गया है, चला गया दुनिया में, प्रभु में सो गया, प्रभु आपको कमियां महसूस नहीं होने देगा, आपके सारे बच्चों के खर्चे सब कुछ प्रभु आपको पूरा करेगा, और आपको पवित्र बना के, नया बना के, आपको अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा। और जो कोर्ट के सलाह किसी भी तरह का, परमेश्वर आप कोर्ट के सजा कर रहा है, और जिन्होंने
ऑफरिंग दी है प्रभु, उस ऑफरिंग का बदला, उसका प्रतिफल आपको दे रहा है, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हर एक बहन की प्रार्थना करता हूँ फिर से पिता, दान देने वालों के पिता, उनको आसमानी झोंके से खोल, क्योंकि बहुत दान ये करते हैं पिता परमेश्वर, अपना बहुमूल्य दान तेरे पे देते हैं, उनका प्रतिफल दे यीशु मसीह के नाम से पिता, अद्भुत कार्य दे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखा परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, ये ऐसी बात बताता है, इसलिए मेरी बहन एजुकेशन सेंटर में हो, जॉब के सेंटर में हो, हिस्सा लगने के सेंटर में हो, किसी भाग में क्यों ना हो, यानी कि आपकी प्रार्थना निवेदन कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक को सुनकर, मन की बात सुनकर आपको टच कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, टच इन द नेम ऑफ जीसस, और आपको नया बना रहा है, पवित्र कर रहा है, आपके आंसू पुष्ट गए, रिसीव इन जीसस नेम। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे, यीशु चंगाई सभा है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं सबको ही बोल रहा हूँ ये बात, व्हाट्सअप वालों कृपया रिप्लाई जरूर दिया करो, रिप्लाई से क्या होता है, मुझे बड़ी हिम्मत ये मिलती है कि मेरा प्रचार आप तक पहुँच रहा है ना, आप देख रहे हो है ना, मैं तो करता रहूँगा, कोई देखे ना देखे ये काम मैं प्रभु का कर रहा हूँ, आपका नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, धन्यवाद करता हूँ। आने दिल में परमेश्वर बड़ा मेरिकल कर रहा है, और जो अगुवाई हुई है मंडे से वो मैं करने जा रहा हूँ, परमेश्वर वो उसमें भी आपका काम, आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा, ठीक है। अगस्त की भविष्य परमेश्वर पहले करवा दी थी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपके जीवन में परमेश्वर फिर काम कर रहा है मेरी बहन, चिंता न करना, परमेश्वर आपके साथ है। सबको जय मसीह की, यीशु चंगाई सभा अब बुधवार, शुक्रवार, रविवार, तीन दिन हफ्ते में आप कभी भी आ सकते हो, ठीक है। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे, और यही मैं कहूँगा, ये हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी जगह के लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमें जगह दे बड़ी, ताकि बड़े लोग, ज़्यादा लोग हो चुके थे तो ज़्यादा लोग आ सके, तो मुझे पता है परमेश्वर ज़्यादा तो जगह देगा तो ज़्यादा लोग भी करेगा, कहीं भी जगह हो आप जगह दे सकते हैं हमें, ठीक है। हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं हम, और कोई हमें बुला सकता है, कॉल करें, अपना एड्रेस दें, और हम किसी का प्रार्थना करने आ सकते हैं, और कोई यहाँ आ सकता है, जैसा आपको सुविधा वैसे कर सकते हैं, लेकिन वीडियो जरूर देखें। परमेश्वर को छू रहा है आज, आज आपको नया बना रहा है, परमेश्वर पिता आपको आशीष दे, जय मसीह।